नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली चले गए हैं, जहां वे अलग अलग नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आखिरकार कमलनाथ दिल्ली गए क्यों हैं, ये हम आपको बताते हैं। आज यानी गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात की और उन्हें एक बार फिर सत्ता में काबिज होने की बधाई दी। इसके साथ ही कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के विकास से जुड़े कई मुद्दों से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी आर्थिक हालात कहीं ना कहीं उथल पुथल की स्थिति में है, प्रदेश सरकार को विकास के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कई सारे मदों की, बहुत सारे फंड की जरूरत है, उसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी कमलनाथ को आश्वस्त किया है कि राजनीतिक भेदभावों को भूलकर अब वे प्रदेश के विकास के लिए उन्हें हर संभव मदद करने को तैयार हैं। इसके अलावा 3 दिन तक अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से भी कमलनाथ मुलाकात करेंगे, ताकि अलग अलग योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का रोडमैप तैयार किया जा सके। ये जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये विभाग की अलग अलग योजनाओं को किस तरह से प्रदेश में लागू कर सकते हैं या प्रदेश में जनता को इन विभागों की योजनाओं से किस तरह से लाभान्वित किया जा सकता है, इस पर भी कमलनाथ केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद यानी अगले दिन शुक्रवार को हो सकता है कमलनाथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से भी मुलाकात करें। हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद कमलनाथ दिल्ली राहुल गांधी से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें भोपाल में रुकने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की एक बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ इस बैठक में भी नहीं जा पाए थे। लिहाजा अब राहुल गांधी और कमलनाथ की जो बैठक होने वाली है, उस मुलाकात में दोनों ही नेता प्रदेश में हार के कारणों पर मंथन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रदेश में जो अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, प्रदेश सरकार जो गिरने की बातें सामने आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस की सरकार को गिराए जाने की जो बातें सामने आ रही थी, उसे लेकर भी दोनों नेता आपसी मंथन कर सकते हैं। साथ ही साथ कमलनाथ जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से राहुल गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। चूंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा उन्हें एक पद से इस्तीफा देना होगा। इसलिए कमलनाथ अब अगले प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ चर्चा कर सकते हैं, ताकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपना अगला अध्यक्ष भी मिल सके। तो ये 3 दिन का प्लान है कमलनाथ का, जो दिल्ली में रहकर उन्हें अलग अलग नेताओं से बातचीत करके पूरा करना है, और उसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के विकास के लिए लगातार जो कांग्रेस सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं, उन दावों को धरातल पर उतारने के लिए अपना कामकाज शुरू करना है। यदि आप हमारी ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Facebook पर देखने वाले हमारे दर्शक हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आपकी महत्वपूर्ण राय आप कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं, और यदि आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।